लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना है। इस मिशन को पूरा करने बीजेपी विधायक मंदा मात्रे द्वारा एपीएमसी की अनाज मंडी में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया गया है। आज इसका शुभारंभ खुद विधायक मंदा मात्रे के हाथों किया गया। व्यापारियों के मांग पर शुरू किए गए इस टीका केंद्र से अब हर दिन सैकड़ों कामगारों व्यापारियों को कोरोना वैक्सीन मिल सकेगी। इस पर मंदाताई मात्रे ने कहा कि जिस तरह मुंबई में कोरोना बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए सबका शीघ्र वैक्सीनेशन जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि एपीएमसी के इस वैक्सीन सेंटर से कामगारों व्यापारी और खरीदारों को वैक्सीनेशन में आसानी होगी। व्यापारियों और बाजार संचालकों ने भी वैक्सीन सेंटर प्रारंभ कराने पर मंदाताई मात्रे का आभार जताया। एपीएमसी की अनाज मंडी में दिख रहा यह कोविड वैक्सीन सेंटर बीजेपी विधायक मंदा मात्रे के सौजन्य से स्थापित किया गया है। आज खुद विधायक मंदा मात्रे ने व्यापारियों और बाजार संचालकों की उपस्थिति में इस कोरोना वैक्सीन सेंटर का लोकार्पण किया। जाहिर है इस केंद्र के शुरू होने से अब मंडी के कामगारों और व्यापारियों को वैक्सीन के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। व्यापारियों ने इस मांग को पूरा करने पर बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे का सत्कार किया। इस दौरान विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि एपीएमसी ऐसी जगह है जहां हर दिन हजारों कामगार खरीदार और व्यापारी जमा होते हैं। जाहिर है यहां कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है, इसे रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन ही सबसे प्रभावी विकल्प है। मंदा मात्रे ने मुंबई में ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत बताते हुए ज्यादा टीका केंद्र खोलने पर भी जोर दिया। आयुक्तांनी इथे प्रामुख्याने लक्ष दिलं पाहिजे। भाजी मार्केट आहे, त्याच्यानंतर दाणा बंदराचं हे मार्केट आहे आणि त्याच्यानंतर कांदा बटाटा मार्केट आहे। तर कांदा बटाटा मार्केट आणि भाजी मार्केटची मी मागणी केलेली आहे, पण आज नव्या मुंबईतील सगळ्यात जास्त लोक इथे आहे। जवळजवळ इथे 50,000 वर लोक आहे, 50 तिथे 50 आहेत। जवळजवळ 1.5-2 लाखाची इथे रोजची रहदारी आहे। ह्या लोकांना पहिला कोविडची लस इथे मिळाली पाहिजे। खूप अत्यंत गरजेचं काम होतं हे आणि याची तीव्रता काय आहे मी आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली की इथे का करणं ताबडतोब गरजेचं आहे आणि त्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला। औषधं इंजेक्शनं पुरवल्यात, आता ते म्हणाले जसजसं माझ्याकडे कोटा येईल तसतसं मी सगळीकडे वाटप करत जाईल। आणि त्यांनी आता भाजी मार्केटवाले शंकरचे पिंगळे आलेले, त्यांनी माझ्याकडे मागणी केलेली आहे। कांदा बटाट्याची आहे, हे 3 सेंटर झाले ना इथे, तर लोक डिवाइड होतील। बताते चलें कि इससे पहले कोरोना और लॉकडाउन काल में बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने मुंबई मनपा को एम्बुलेंस भेंट दिया था ताकि मुंबईकरों को जल्द सेवा और सुविधा मिल सके। दूसरी लहर के बीच भी वे मनपा को सहयोग देने की कोशिश में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।